अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद इलियास। आज हमने फिज़िक्स का जो टॉपिक कवर करना है दैट वुड बी द टाइप्स ऑफ मोशन। तो मैं आपसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्लास नाइन्थ के लिए लेक्चर डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें आपका यूनिट नंबर 2 है और आपके चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन, उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो हमने आज कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या हो सकती हैं। उसमें नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसके अंदर लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन आते हैं। तो आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। सेकंड है रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वन इज़ वाइब्रेटरी मोशन। ये तीन टाइप्स होती हैं मोशन की, जिनको हमने कुछ आज कवर करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जिसमें वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को इस तरह से चेंज करे कि या तो वो स्ट्रेट जाए या फिर कर्व बनाते हुए जाए विद आउट एनी रोटेशन। देखिएगा ज़रा, ये स्ट्रेट मोशन, किसी ऑब्जेक्ट ने अगर अपनी मोशन पॉइंट ए से स्टार्ट की हो और वो पॉइंट बी तक सीधा जाए तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। सेकेंडली, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव करता है विदाउट एनी रोटेशन तो उसकी मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तीसरी बात ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व बनाते हुए जाए तो ऐसी मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने किसी एक पॉइंट से किसी पॉइंट बी तक अपने आप को ट्रांसलेट कर लिया या वो मूव हो गया। अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन सच अ वे दैट इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट और कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हुए जैसा मैंने बताया था कि इसमें आगे तीन टाइप्स आती हैं, तो हम वन बाई वन उनकी तरफ जाते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की जो एग्जांपल्स हो सकती हैं वो देखिएगा, एक कार अगर किसी रोड के ऊपर जा रही है तो वो उसकी एग्जांपल हो सकती है। सेकेंडली, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन। थर्ड, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कल। एंड फोर्थ वन, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन द वॉल। ये इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब वन बाई वन हम इसकी तीनों टाइप पर थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। तीनों टाइप्स में क्या है? लीनियर मोशन है जो कि एक स्ट्रेट मोशन हो सकती है। सेकंड वन इज़ सर्कुलर मोशन, जैसा कि ये गाड़ी सर्कल पे मूव करती हुई नज़र आ रही है। थर्ड वन इज़ रैंडम मोशन, जैसा कि किसी भी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की मोशन हो सकती है। लीनियर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द बॉडी मूव स्ट्रेट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन आर मोशन ऑफ द कार ऑन द रोड एंड मोशन ऑफ वर्टिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टन हाइट, जैसा कि आप किसी बॉल को किसी हाइट से फेंकें तो वो भी सीधी नीचे आती है। सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैन बी डिफाइन एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस, द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कल। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन कुड बी ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, या फिर झूला, उसके ऊपर अगर कोई सवार है तो वो जो सर्कल में घूमता है, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं। द लास्ट वन इज़ रैंडम मोशन, जैसा कि नाम से जाहिर है रैंडम, जिसमें ऑर्डर ना हो, इरेगुलर मोशन, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। एग्जाम्पल इसकी हो सकती है मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड, ज़िगज़ैग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर कंटेन्ड इन अ कंटेनर। दीज वर द थ्री टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन।
आज के लेक्चर का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप नोट करके आइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।